मथुरा के थाना फरा इलाके में करोड़ों रुपए के मोबाइल से भरे कैंटर की लूट की घटना से सनसनी फैल गई है। वहीं इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित ओप्पो फैक्ट्री की ओर से करीब 7 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल बेंगलुरु के कंटेनर में भेजे गए थे। इसी बीच बदमाशों ने हमला बोलते हुए कैंटर को लूट लिया और मौके से फरार हो गए। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर मोबाइल से भरे कैंटर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि ये जो मोबाइल थे कैंटर में मौजूद, उनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है और ओप्पो फैक्ट्री की ओर से ये कीमत बताई गई है। आपको बता दें कि ये कीमत के मोबाइल बेंगलुरु के लिए कंटेनर से भेजे जा रहे थे और इस बीच ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला बोलते हुए कैंटर को लूट लिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि अब जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर मोबाइल से भरे कैंटर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरी लूट के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, साथ ही बता दें आपको दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार 5 अक्टूबर की सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया था। सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित ओप्पो फैक्ट्री की ओर से करीब 7 करोड़ रुपए की कीमत के ये मोबाइल फोन बताए जा रहे हैं जो बेंगलुरु के लिए भेजे जा रहे थे और इस बीच बदमाशों ने हमला बोलते हुए कैंटर को लूट लिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरी घटना की जांच पड़ताल कर रही है।